हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। देवेंद्र गोयल ने 1950 में आई मूवी आंखों से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में शेखर, भारत भूषण, नाली जयवंत और कोयल शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 72 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। 1951 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई अदा। इस मूवी के लीड कास्ट में शेखर, रेहाना, मोहन और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1953 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई आस। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में शेखर, कामिनी कौशल, चंदा और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1955 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई अलवेली। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप कुमार, रीता वाली, जॉनी वॉकर और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर देव ऋषि की मूवी आई बचत। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, गीता बाली और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1957 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई नरसी भगत। इस मूवी के लीड कास्ट में राधा कृष्णन, निरूपा रॉय, ललिता पवार और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल देवेंद्र गोयल की एक और मूवी आई एक साल। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मधुबाला, जॉनी वॉकर और महमूद शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमिट रही। 1959 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मीनू मुमताज और मदनपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,10,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1961 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई रजिया सुल्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में जयराज, निरूपा रॉय, मधुमती, आगा और ललिता पवार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल देवेंद्र गोयल की एक और मूवी आई प्यार का सागर। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मलाइका अस्करी और मदनपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 42 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 84 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1964 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई दूर की आवाज। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉय मुखर्जी, सायरा बानो, ओम प्रकाश, जॉनी वॉकर और प्राण शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1966 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई 10 लाख। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, बबीता कपूर, नीतू सिंह, ओम प्रकाश और हेलन शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,60,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। 1969 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई एक फूल दो माली। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, साधना, प्रहलाद सैनी, दुर्गा कोटे और शबनम शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1972 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई धड़कन। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, मुमताज, हेलन, राजेंद्र नाथ शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1975 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई एक महलो सपनों का। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अशोक कुमार, लीला चंद्रवारकर, शर्मिला टैगोर और देवन वर्मा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1977 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई आदमी सड़क का। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे देवेंद्र गोयल। इस मूवी के लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, अजित सेन, जाहिरा, रीत कुमार और देवन वर्मा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1978 में देवेंद्र गोयल की मूवी आई दो मुसाफिर। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, शशि कपूर, रेखा, प्राण और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की देवेंद्र गोयल सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है।
दोस्तों आपको देवेंद्र गोयल सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।